Hey everyone, hi, welcome back to my channel. My name is Pooja and my channel name is Glam. You hope आप सब बहुत अच्छे होंगे. So आज है Thursday, आज है साईं बाबा का दिन. And अभी जस्ट मैं बाबा की पूजा वगैरह करके थोड़ी सी फ्री हुई हूँ. एंड अभी टाइम हो चुका है 12 o'clock, 12 ऑलरेडी बज चुके हैं. और मैंने आज पहना है ये वाला टॉप बिकॉज मे बी हम लोग आज जाएंगे साईं बाबा के मंदिर. नॉट श्योर बट इट मे बी कि हम लोग जाएंगे. एंड अभी मैंने जस्ट जूड़ा ही बना के रखा हुआ है इस तरीके से. एक्चुअली ना हुआ क्या है, कल से ना बहुत ही सही सा वेदर हुआ हुआ है. कल से नहीं, मतलब वेदर तो वैसे भी काफ़ी टाइम से अच्छा है, लेकिन कल से ना बहुत ज़्यादा हवा चल रही है दिल्ली में. एंड मतलब आई डोंट नो मेरे कितने सब्सक्राइबर्स दिल्ली के हैं, लेकिन हाँ काफ़ी हवा चल रही है. और लेकिन ठंड नहीं है, मतलब मुझे ऐसा लगा था जब कल सुबह से हवा चलनी शुरू हुई थी ना, तो मुझे ये लगा कि बहुत ज़्यादा अब ठंड पड़ने वाली है, लेकिन ठंड नहीं है. बस ये है कि हाँ हवा चल रही है जो कि ठीक है, मतलब ठंड नहीं है. ऐसा लग रहा है जैसे बहुत गर्मी होती है ना जब, और बहुत गर्मी में हवा चलती है तो हमें कैसा लगता है, बिल्कुल एज इट इज़ फील हो रहा है कि वो बहुत गर्मी में जो थोड़ी थोड़ी हवा चलती है और बहुत अच्छा सा लगता है ना, बिल्कुल वैसा सा लग रहा है. एंड अभी मैं बनाऊंगी मशरूम. तो मैंने मशरूम काट के ऑलरेडी रख लिए हैं, मैं आपको दिखाऊंगी. डुगुनो तो मैंने काट के ऑलरेडी मशरूम रख लिए हैं. एंड अभी मुझे उसे बनाना है, तो क्योंकि टाइम ऑलरेडी ना हो चुका है, काफ़ी हो चुका है, 12:30 हो गए हैं. एंड मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सफाई की थी. एंड ये जस्ट बाहर कहीं पे गए हैं आज, थोड़ा ज़्यादा ही एंड एंड हो गया एंड फिर से एंड तो ये बाहर गए हुए हैं और अब और हो गया, तो गए हैं ये बाहर. और उसके बाद अभी दुगु जी आ गए हैं. कम दुगु जी आ गए हैं. दुगु जी है. ये क्या लगाया आपने मुंह पे अपने, ये क्या लगाया? छी. तो अथर्व ना अभी जस्ट मैं थोड़ा सा अपना मेकअप करी थी, तो अथर्व भी उसमें अपना मेकअप करने में लगा हुआ था, तो इसने मेरे ख्याल से काजल लगा लिया है ना. हाँ बोल दो. हाय एवरीवन. हाय एवरीवन. ये देखो हाथों पे भी स्केच चला रखा है. बाल ठीक कर लो अपने, हेयर्स ठीक कर लो. अथर्व के लिए हेयर्स ठीक करने का मतलब होता है कि सारे हेयर्स को ना ऐसे करके आगे कर देना. अब मेरे को अथर्व की हेयर कटिंग भी करानी है. अथर्व के लिए हेयर कटिंग कराना ना बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, बिकॉज अथर्व बाल कटवाने के लिए ना बहुत गंदा रोता है, बहुत गंदा, मतलब बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी होती है अथर्व की हेयर कटिंग कराने के टाइम पे. अथर्व को जब आप गुस्सा करोगे ना और अथर्व के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा चिल्ला दोगे, तो अथर्व उस टाइम पे ना क्या करने लगेगा, अथर्व ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे. तो आप अगर नहीं भी चाहोगे ना, आपको तभी भी हंसी आ जाएगी. अगर उसको कोई भी डांट देगा तो अथर्व ऐसे ऐसे अपनी आईब्रोज करने लगता है, और उससे भी नहीं रहेगा तो अपनी आंखें ऐसे 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 बहुत तेज से ब्लिंक करता है. और अभी जस्ट ये भाई साहब सो के उठे हैं, इसलिए मेरा पूरा का पूरा बेड जस्ट अभी फैला ही हुआ है, बिकॉज ब्लैंकेट मैंने अभी हटाया नहीं है. ये अभी ही सो के उठा है. और चलो चलते हैं सब्जी बनाने के लिए. लाइट ऑफ करके आओ, जाओ लाइट ऑफ करके आओ. हाँ छोड़ो, देख लो ये देखो. तो जस्ट मैंने अभी अभी करी है पूजा मंदिर में, आपको दिख रहा होगा दिया जल रहा है. लाइट ऑफ करके आओ, लाइट ऑफ करो. गो मम्मा, लाइट ऑफ कर दो मेरा बच्चा, लाइट ऑफ कर दो. जाओ जाओ लाइट ऑफ कर दो, लाइट ऑफ. हाँ जाओ लाइट ऑफ करके और आ जाओ, आ जाओ कम. तो अभी मशरूम बनाएंगे. तो मशरूम मैंने काट के रखा है. मशरूम मैं वैसे भी ना कब लेके आई थी, परसों लेके आई थी, और परसों लेके आई थी मशरूम, लेकिन मैंने ना अभी तक बनाया नहीं था. एंड मशरूम के लिए मटर में लाना भूल गई, तो आज मैं सिर्फ बनाने वाली हूँ मशरूम, मशरूम की सब्जी. आई थिंक इस कैमरे पे थोड़ा सा कुछ हो रहा है, एक मिनट.
तो मशरूम के लिए मैं मटर लाना भूल गई, तो आज मैं सिर्फ बनाऊंगी मशरूम और उसमें थोड़ी सी शिमला मिर्च भी डालूंगी मैं। तो चलो दिखाती हूँ आपको मशरूम की सब्जी किस तरीके से बनाते हैं। एंड ये सब्जी जो है ना बहुत ही यम निकल के आने वाली है, बिकॉज मैंने ना एक बार और बनाया था सिर्फ मशरूम एंड वो बहुत ही अच्छी सब्जी बनी थी। तो चलो मशरूम बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे मशरूम, इसको मैंने धोने के बाद अच्छे से काट लिया है इस तरीके से, आप किसी भी शेप में से काट लो। फिर मैंने यहाँ पे लिया है एक प्याज, लहसुन और टमाटर, बस इतना ही सामान हमें चाहिए इस मशरूम को बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने डाला है सरसों का तेल और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ मशरूम। मशरूम को हम बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लेंगे पहले। तो होता क्या है, फ्राई करने पे ना आपके मशरूम आधे ज़्यादा तो इसी टाइम पक जाते हैं, तो बाद में ज़्यादा पकाने का आपको इससे ज़रूरत रहता नहीं है, बहुत ही जल्दी से ये फ्राई हो जाएंगे अब जब हम इसे बनाएंगे। तो अब मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा तेल, और तेल डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी जीरा, बिकॉज़ ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है जो हम अपनी सब्जी में डालनी पड़ती है। और जीरा डालने के बाद मैं इसके अंदर डालूंगी लहसुन और फिर डालूंगी प्याज। अगर आप चाहो तो आप इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हो, उससे आपकी जो सब्ज़ी है ना उसके अंदर और भी अच्छी खुशबू आएगी। तो जब लहसुन हल्का सा रेड हो जाएगा तो मैं इसमें डालूंगी प्याज, प्याज को हल्का ब्राउन होने दूंगी, ब्राउन होने के बाद मैं टमाटर डाल दूंगी और इसको बहुत ही अच्छे से पका लूंगी। तो जब भी आप ये चाहते हो ना कि आपका टमाटर प्याज फटाफट फटाफट से गल जाए ना, तो आपने करना क्या है, आपने ना इसमें एक चुटकी डाल देना है नमक, तो उससे आपका टमाटर प्याज बहुत अच्छे से गल जाएगा। और उसके गलने के बाद इसके अंदर मैंने डाला है हल्दी और धनिया, इसमें बहुत ज़्यादा मसालों की आपको ज़रूरत नहीं है। हल्दी धनिया डालने के बाद इसको पकने दीजिए और इसको थोड़ा सा प्रेस करके टमाटर प्याज उसको बिल्कुल गलने दीजिए, वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा तभी अच्छा बनेगा। एंड अब इसमें मैंने डाला है शिमला मिर्च और मशरूम, और इसको बहुत ही अच्छे से मैं एक मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी, और उसके बाद मैं नमक डाल के इसको दोबारा से एक मिनट के लिए फ्राई करूँगी। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि मशरूम में ऑलरेडी काफ़ी पानी होता है, मॉइस्चर होता है, तो वो वैसे भी आप फ्राई कर सकते हो। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल दो और उसको थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ दो, तो आपका जो मशरूम है ना वो बहुत ही यमी निकल के आएगा, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनेगी आपकी और आपको मज़ा आ जाएगा इसे खाने में। हम ऐसा सोचते हैं कि मशरूम बिना मटर के अच्छा नहीं लगेगा, बट ऐसा बिल्कुल है नहीं, मशरूम बिना मटर के भी बहुत अच्छा लगता है। देख रहे हो कितनी यमी लग रही है सब्ज़ी, ये वो बन गई है। एंड जब मशरूम आपका आपको लगे ना कि वो पक गया है, तो उसके बाद आप उसको ना बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लो कम से कम 1 से 2 मिनट तक, तब आपकी जो सब्जी है वो और भी अच्छी निकल के आने वाली है। एंड इस बीच में मैं बताओ मेरे घर में क्या आया है, मेरे घर मेरी किचन में एक नया मेहमान आया है। तो वो वैसे काफी दिन पहले आ चुका है, 8-10 दिन हो चुके हैं, लेकिन ना मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा आप लोगों को दिखाने का और ध्यान भी नहीं रहा, क्योंकि एक्चुअली मैंने ना उसको ढक के साइड में रख रखा है, बिकॉज फिर वो गंदा हो जाता है और किचन में तो आप जानते हो जो भी सामान है उसमें तेल वेल सब कुछ चिपक जाता है, तो इसलिए मैंने उसको साइड में रखा हुआ है। तो मैंने सोचा कि आपको ये वाली जो चीज़ है वो दिखाऊं, तो आ जाओ आपको दिखाती हूँ सबसे पहले कि किचन में नया गेस्ट है कौन। इनका जो नया मेहमान है वो है ये, जो बहुत ही ढक के आराम से सो रहा है, तो दिखाऊं क्या है ये, तो चलो देख ही लो आखिर इसमें है क्या। टंटा, तो ये है मेरा नया OTG जिसको मैं ऑलरेडी काफी बार यूज कर चुकी हूँ अपना केक बनाने के लिए, पिज्जा बनाने के लिए, गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए। तो आपको दिखाती हूँ ये वाला जो OTG है ना, ये मैंने अभी अमेजोन की जो सेल थी मैंने उसमें ये बाय किया है। एंड इसके अंदर इस OTG को मतलब ये ना दिखने में भी बहुत ही प्यारा है ब्लैक, इसमें 2 कलर्स अवेलेबल थे, एक ब्लैक और एक सिल्वर, तो मैंने इसमें से ब्लैक बाय किया। एंड ये बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका लुक बहुत सुंदर है एक्चुअली। और इसके अंदर आपको तो इसमें आपको ये सारी जो इसके क्या कहते हैं सही समझ जाओ जो इसके साथ मिलता है, मेरे दिमाग में भी आ नहीं रहा कि से बोलते क्या है, तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। एंड ये सब इसके साथ आया है, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं इसके साथ, तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि इसके साथ और क्या क्या आया है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा बंद। एंड ये है इसका, ये जो है ना ये मैंने 30 लीटर का OTG लिया है, एंड ये बोरोसिल का है, बहुत अच्छे रिव्यूज हैं इसके अमेजोन पे और ये मुझे बहुत ही सही रेट में मिल गया। एंड इसके साथ ये वाली एक ये जो रेसिपी बुक है बोरोसिल की, ये भी आई है, इसके अंदर काफ़ी सारी रेसिपीज लिखी हुई हैं। तो मैंने अभी इसमें से सिर्फ गार्लिक ब्रेड ट्राई किया है,
और पिज्जा किए, बाकी ज्यादा कुछ किया नहीं है। तो अगर आप ओटीजी लेना चाहते हो ना, तो उसमें केक वेक अगर आपको बनाना है और क्या कहते हैं बिस्किट्स बनाने हैं, इस तरीके की चीजों के लिए ओटीजी बेस्ट है, और बाकी दूसरी चीजों के लिए माइक्रोवेव। तो यही मेरा ओटीजी है, होप आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज बताना कैसा लगा। ओटीजी ना एक्चुअली मैंने लिया था, अमेजोन की सेल थी उसके अंदर मैंने वाला ओटीजी लिया था, एंड इस ओटीजी का जो प्राइस था वो एक्चुअल ज़्यादा है, लेकिन अमेजोन पे ना डिस्काउंट के बाद भी मेरे को ये वाला ओटीजी पड़ रहा था 6900 के आसपास का था ये, ब्लैक कलर में, और सिल्वर कलर वाला जो ओटीजी था वो था 5000 कुछ का। तो जब अमेज़ॉन की सेल आई ना, तो वाकई में काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स मिलते हैं अमेज़ॉन की सेल में। ये ब्लैक ओटीजी का जो प्राइस है वो हो गया था 5000, मतलब लगा लो 5500 के आसपास, 5500 समथिंग था। और जो सिल्वर वाला जो था उसके प्राइस में बहुत फ़र्क नहीं आया था, वो सिर्फ 300 या 400 रुपये ही सस्ता हुआ था, उससे ज़्यादा सस्ता हुआ नहीं था। लेकिन ब्लैक वाला ओटीजी काफ़ी सस्ता हो गया था, तो मैंने फटाफट से इसको उसी टाइम पे ऑर्डर कर दिया। एंड जो पहला ओटीजी आया था ना, मैंने आपको शायद मैंने दिखाया था एक बार आपको वीडियो में, तो जैसे पहले वाला ओटीजी आया था ना, वो थोड़ा सा ना जो उसकी स्टील होती है वो स्टील ना थोड़ी सी दबी हुई थी, तो इसलिए मैंने वो वाला ओटीजी वापस कर दिया और फिर से दोबारा ऑर्डर करा। दोबारा ऑर्डर जब करा मैंने, तो ये वाला ओटीजी आया, एंड ये वाला बिल्कुल ठीक आया, मतलब बहुत हल्का सा दबा हुआ ये भी है, लेकिन फिर मैंने इसे वापस नहीं करा बिकॉज सेल भी खत्म हो गई थी, और फिर मैं दोबारा से करती हूँ, मुझे 1500 रुपये ज़्यादा देने पड़ते, मतलब बहुत ही स्लाइटली कहते हैं ना, बहुत स्लाइटली अंदर को बैंड है वो तो, लेकिन ठीक है चलो। और क्या डुगू लगा हुआ है केक खाने में, केक खा रहे हो, बता दो कैसा लगा केक मम्मा ने बनाया तो, यम्मी। चलो जाओ अब आप जाओ, मुझे नहीं खाना, गो दुगो खा लो दुगो। अच्छा सर कह रहा है आप लोग खा लो, खा लिया सबने, खा लिया सब बोल रहे हैं यम 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 यम। जाओ उतरो, तो बस अभी मैं जा रही हूँ, अभी इनसे जस्ट मेरी बात हुई है, तो ये निकल चुके हैं वहाँ से, एंड अभी हम लोग जाने वाले हैं साईं बाबा मंदिर, तो मैं जा रही हूँ अथर को तैयार करने के लिए, और खुद भी सूट डाल लेती हूँ। मंदिर वगैरह जाओ तो थोड़ा सा सूट वूट पहन के जाओ ना, तभी अच्छा लगता है, साड़ी तो खैर मैं पहन के जा ही नहीं सकती बिल्कुल भी, साड़ी पहनने में मुझे ना बहुत डर लगता है, मतलब मैं ना उतनी कंफर्टेबल नहीं होती साड़ी पहन के, मुझे बस बिठा दो आप, मैं कोई काम वाम नहीं कर सकती साड़ी पहन के, तो इसलिए मैं साड़ी बहुत ही कम पहनती हूँ। शादी में पहना भी था, लेकिन वही है कि क्योंकि साड़ी संभालने की वजह से मैं व्लॉग भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, कोई वीडियो मैंने उस टाइम नहीं बनाया, जिसका मुझे बहुत दुख है अब, क्योंकि उस टाइम एक तो मैं बहुत बिजी भी थी और टाइम मेरे को बिल्कुल भी मिल नहीं पाया। तो चलो आज का जो वीडियो है उसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, एंड होपफुली आपको ये जो व्लॉग है वो अच्छा लगा होगा। हाँ होपफुली आपको ये जो व्लॉग है वो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो हाँ केक खा लो, कुछ करना खा लिया सबने, सब कह रहे हैं वाह 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 वाह, आप खा लो, सबने खा लिया आप खा लो, नहीं मुझे नहीं खाना आप खा लो। तो खा लो आप, खा लो केक खा लो। तो होपफुली आपको जो ब्लॉग है वो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन थैंक यू, बाय 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 बाय, आंख मार दो सबको, आंख मार दो। चलो बाय।